रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के क्या इफेक्ट्स हैं? देखो रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स हैं सन राइज और सनसेट पे। तो सपोज करो, या हमें अगर मान लो सुबह उठ के सन देखना है, सूर्योदय देखना है, सनसेट देखना है, तो हम वेट करते हैं कि चलो अब सन राइज होगा, पर एक्चुअल में क्या होता है, सन राइज अभी होता नहीं है, हमें सन पहले दिख जाता है, 2-3 मिनट पहले दिख जाएगा। सन अभी होराइजन के नीचे है, बंदा यहाँ पर है, जब तक ये सन ऊपर नहीं आएगा नहीं दिखेगा ना, पर यहाँ पर दिख जाता है। तो एक्चुअल में सन अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें वो नहीं दिखता एज एन ऑब्जेक्ट, वो हमें उसकी इमेज दिखने को मिलती है। सन निकला नहीं होता फिर भी हमें सन दिख रहा है, कैसे? एक्चुअल में आपने जब 10th में ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो रेज ऑफ लाइट है हमें कैसे दिखाई देते हैं। लाइट है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, आप मैं सब ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट हम हमारे ऊपर गिर रही है और गिर के हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से निकल के आईज में आ रही है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकल रही है, तो निकल तो हर तरफ रही है, पर मान लो कुछ रे यहां जा रही है, जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, हुआ क्या, रास्ते में अर्थ का एटमोसफेयर आ गया। अब अर्थ के एटमोसफेयर में क्या हुआ, ये रे आई, ये नॉर्मल है, अर्थ का एटमोसफेयर बाहर रेयर और अंदर डेंस होता जाता है, तो जैसे ही एंटर करती है रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर और डेंस हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंस हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे जाती जाती लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल करते 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 ऑब्जर्वर की आंख में चली जाती है। अब देखो ऑब्जर्वर की आंख में अगर लाइट जाएगी, कहीं से रे जाएगी, उसको कुछ तो दिखेगा ना, तो कैसे दिखेगा, वो क्या करेगा, वो इस रे को, क्योंकि उसको नहीं पता रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसको लगा है स्ट्रेट आ रही है, तो जब वो यहां देखेगा तो इसकी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज कहां बन रही है, उसकी ऊपर बन रही है। तो सन राइज नहीं हुआ फिर भी सनराइज दिख रहा है, पूरा दिन हमें सन गलत ही दिखता है, सन यहां पे होता है सन यहां दिखता है, सन यहां पे होता है सन यहां पे दिखता है, सन यहां पे पूरा दिन रिफ्लेक्शन चल रही है, सन एक्चुअल लोकेशन पे दिखता ही नहीं है, पूरे दिन में बस एक बार दिखता है, कहां पे, बिल्कुल जब सर के ऊपर होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि जब यहां पर होगा तो बिल्कुल सीधी लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, फिर गलत दिखता है। सनसेट और सनराइज पे तो बहुत ही गलत दिखता है, क्योंकि उसको डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करना पड़ता है, रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और रिफ्लेक्ट होती जाती है, इसलिए सनराइज और सनसेट पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। 2-2 मिनट का फर्क है, 2-2.5 मिनट का, 2-2.5 मिनट पहले नजर आ जाएगा और डूब चुका होगा, 2-2.5 मिनट तक दिखता रहेगा। क्लियर है यहां तक? ये है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक।